नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में दो दिनों से लगातार बड़ी संख्या में मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बाद रविवार का दिन राहत भरा रहा। शनिवार की सुबह आई 158 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव रही, लेकिन प्रशासन ने अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि शनिवार को गोरखपुर से आई 158 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है। इस प्रकार अब जिले में कुल 88 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें 77 एक्टिव हैं, 9 स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार जिले में श्रमिकों का आना जारी है और संक्रमण भी फैल रहा है। इसके लिए L1 L2 अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कुल 1180 बेड L1 तरवा में LT श्रेणी में 100 बेड के रूप में तब्दील किया जा रहा है। 100 बेड राजकीय मेडिकल कॉलेज में L3 के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त अतरौलिया में 100 सैयायुक्त हॉस्पिटल में 8 रूम L2 के रूप में महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों में लक्षण पाए जा रहे हैं उनके सैंपल लेकर उन्हें इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। 21 और 22 के कुछ लगभग 158 आज रिपोर्ट्स लैब से आई हैं सैंपल की, वो 158 सभी नेगेटिव हैं। अभी तक कुल जो भी सैंपल आए उसमें से 88 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 77 लोग एक्टिव हैं जिनका उपचार चल रहा है। श्रमिकों की आवागमन को देखते हुए और उनमें लक्षण और संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए शासन के निर्देश पर L1 L2 की अधिक से अधिक जगहें और बेड की व्यवस्था की गई है। लगभग 1180 बेड L1 के लिए उपलब्ध होंगे, 100 बेड जो तरवा का है उसको LT के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस जारी है, 100 राजकीय मेडिकल कॉलेज में L3 के रूप में ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके अतिरिक्त अतरौलिया का जो हॉस्पिटल है उसमें 8 रूम महिलाओं के लक्षण युक्त पॉजिटिव पाए जाने पर L2 के रूप में, और अन्य जो बेड हैं लगभग 100 वो महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव L1 के लिए उपलब्ध होंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पूर्णतः नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में रखा जाएगा, और ये निर्देश दिया गया है लिखित रूप से मेरे द्वारा, अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लक्षण का नॉन कोविड हॉस्पिटल में आता है तो उसको तत्काल अगर सैंपलिंग के लिए सेग्रीगेट करते हैं तो उसे नॉन कोविड हॉस्पिटल में रखने की बजाय उसे हॉस्पिटल क्वारंटाइन या L1 में रखा जाए, ताकि नॉन कोविड हॉस्पिटल में सामान्य रूप से उपचार करने वाले डॉक्टर, वहाँ के जो स्टाफ और वहाँ के जो सामान्य रूप से जो अपना उपचार कराने आने वाले लोग हैं उनमें मेडिकल इन्फेक्शन की संभावना ना बढ़े। जो मेडिकल कॉलेज के अलावा, चूँकि मंडली जिला चिकित्सालय ही शासकीय तौर पर अन्य रोगियों के लिए नॉन कोविड के रूप में उपलब्ध है, इसलिए हमने CMO और वहाँ के अधीक्षक को ये कहा है कि जो भी उन्होंने सैनिटाइजेशन कर लिया है अब स्ट्रैटेजिक वे में इस प्रणाली से वहाँ की OPD को स्टार्ट करें।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।